यमुनानगर के थाना जगाधरी पुलिस ने आज एक बस को रोककर बस की सीट नंबर 10-11 के नीचे से बीफ के बैग को बरामद किया है। यह बस सहारनपुर डिपो की है और इसे हरिद्वार से शिमला जाना था। यह मास्क किसने और कहां से रखा है, इसके लिए पुलिस बस चालक से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है और थाने ले गयी। सरकार भले ही गोरक्षा पर कानून बनाने की बात कर रही हो, लेकिन आज भी इस कानून की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। हालांकि यूपी सरकार ने अवैध बुचड़खानों को भी बंद करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिपो की एक बस में से यमुनानगर पुलिस ने मांस का एक बैग बरामद किया है। बैग के अंदर से हरे रंग के कपड़े में थैलियों में भरा हुआ था और इस बात की सूचना गोरक्षकों को मिली थी, लेकिन जब बस को यमुनानगर के थाना सदर पर रोकना चाहा तो बस चालक बस को बीच रास्ते से ही मोड़कर जगाधरी ले आया। हालांकि बस को यमुनानगर बस स्टैंड से होकर जाना था, लेकिन गोरक्षकों ने जगाधरी पुलिस की मदद से बस को बस स्टैंड के पास से पकड़ लिया। पुलिस ने बस की सीट के नीचे से मास्क को भी बरामद कर लिया और पुलिस अब इस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस ने बस चालक मोहम्मद कासिम से पूछताछ कर रही है कि सीट पर कौन बैठा था। यह बस हरिद्वार से चलकर शिमला जा रही थी और कयास लगा रहे हैं कि मां सहारनपुर से ही बस में रखा गया। फिलहाल पुलिस ने अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन पुलिस बस चालक से पूछताछ के बाद ही आगे की कार्रवाई कर पाएगी। पुलिस को हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी भी ऐसे ऐसे करके एक यूपी की बस है जो रोडवेज की, उसके अंदर मांस आ रहा है, ये नहीं पता मांस किस चीज का है किसका नहीं है। तब ने अपनी पुलिस को सूचना दी, पहले सदर यमुनानगर में सूचना दी थी जो कलानोर से गाड़ी आ रही है, ऐसे ऐसे वहाँ से गाड़ी निकल गई थी। SHO साहब से बात हुई भी यहाँ तो आई नहीं, फिर हम मटका चौक से तो इस पर अगरसैन चौक की तरफ गए, वहाँ हमने गाड़ी कन्फर्म कर ली नंबर से। हम इसके पीछे लग गए, पीछे लगने पे हमने SHO सिटी जगाधरी को कॉल की, उन्होंने और हमने इसको मिल के वहाँ रोक लिया, इसमें अंदर बैग मिल गया।